कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं कि स्टेटस वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि स्टेटस वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं तो आप लोग हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ कि स्टेटस वीडियोस कैसे बनाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोग अगर हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मैं जो सिखाता हूँ उसे सीख लेते हो तो दोस्तों आप लोगों को मैं गारंटी ले रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है किसी भी कैटेगरी का स्टेटस वीडियो बनाना सीख जाओगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं जो है सारा का सारा खोल के दूंगा कि यहाँ पे स्टेटस वीडियो किस तरीके से बनाई जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं दूंगा, सिर्फ एप्लीकेशन की लिंक दूंगा। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो स्टेटस वीडियो बनाना सिखाते हैं तो वो टेम्पलेट की लिंक वगैरह देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आप लोगों को देने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैं जो है यहाँ पे फुल्ली जानकारी दूंगा कि आप लोग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोगों को मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होगी तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है। क्योंकि अगर आप लोग पूरा वीडियो को नहीं देखोगे तो आप लोग जो है आधी जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी। क्योंकि आप लोग जो यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं वो लिंक देते हैं टेम्पलेट की, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पे खुद ही जो है टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा। आप लोग ईजिली अपने खुद की स्टेटस वीडियो बना लोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को जो है क्या करना होगा दोस्तों, एक एप्लीकेशन की जो है ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है एवी प्लेयर। तो दोस्तों एप्लीकेशन है खासकर स्टेटस वीडियोस बनाने के लिए ही बनी है, तो आप लोग को इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा और लिंक भी आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसके अंदर इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। शुरुआत में हो सकता है कुछ परमिशन आए तो आप लोग को यहाँ पर परमिशन दे देनी होगी, ठीक है। इसका सेटअप कर लेना होगा और इसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ टैम्पलेट आप लोगों को मिल जाती हैं, ये देख सकते हैं ये जो टैम्पलेट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आप लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को खुद की यहाँ पे आप लोगों को जो है स्टेटस वीडियो कैसे बनानी है, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों को कोई भी एक स्टेटस आप लोग यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी टैम्पलेट को आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जो पेंसिल का आइकन आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी यहाँ पे मैंने लिया है वो सारा का सारा यहाँ पे आप लोग को डिलीट कर देना होगा, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा और सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं और उनको आप लोग को यहाँ पे रिमूव कर देना होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ इनको। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को फिर से प्लस का आइकन पे क्लिक करना होगा, ऑडियो प्रोवाइडर लेना होगा और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज लेना होगा, एक फिर से इमेज लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है एक वार लेना होगा। वार लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक जो है यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ पार्टिकल्स लेना होगा और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फिर से पार्टिकल्स लेना होगा, ठीक है। तो अब आप लोग को एडिटिंग कैसे करनी है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ऑडियो प्रोवाइडर आप लोग को सबसे पहले लेना ही लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है इमेज, ये आप लोग को छोड़ना होगा, ये आप लोग को बाद में यूज करना है। और इसके बाद सेकंड इमेज आ रहा है ये वाला आप लोग क्लिक करना होगा, इमेज पर क्लिक करना होगा, कस्टम इमेज पर क्लिक करना होगा, पिक इमेज पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप लोग जो भी फोटोज़ पर आप लोग स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो फोटेज यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो फोटेज है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर नीचे वाला कोई फोटो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये वाला जो फोटेज है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं ये जो है इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे इसमें आप लोगों को जो है एक बैक करना होगा और इसके बाद यहाँ पे बैक करने के बाद बार पे क्लिक करना होगा। बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बार पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे साइड में आप लोग को एक स्नैप पैथ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोग को हॉरिजॉन्टल कर लेना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है इसको देख सकते हो हॉरिजॉन्टल कर लिया है, तो मैं इसको जो है कलर अलग दे देता हूँ और यहाँ पे ये वाला कलर दे देता हूँ और सेकंड वाले में ये वाला जो है कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये रेड कलर या ब्लू कलर दे देता हूँ, ये ठीक है हमारा। आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स आ रहा है यहाँ पे ये पार्टिकल्स हमारा जो फर्स्ट को पार्टिकल्स को आपको छोड़ देना होगा, सेकंड पार्टिकल्स को आप लोग को सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे मतलब आप लोग जिस कैटेगरी का बनाना चाहते हैं वो कैटेगरी का आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो जनरल का ऑप्शन मिलता है, ओवरऑल का ऑप्शन मिलता है और नीचे साइड का आप लोग को अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप लोग को कस्टम इमेज पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप लोग को जो कुछ भी यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है जैसा भी, तो वो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे मैं ये वाला जो इफेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पिक इमेज पे क्लिक करके आप लोग कोई हार्ड वाले जो है कोई इमोजी या PNG आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे PNG दे देते हैं कोई हार्ड की या स्टार की, वो आप लोग यहाँ से जो है PNG कोई भी डाल दीजिए और वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये ही दे देता हूँ और इसके बाद इसका जो कलर है मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पे इसको रेड, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इस तरीके का कलर दे देता हूँ और इसके बाद नीचे वाले में मैं यहाँ पे ग्रीन कलर या मैं यहाँ पे इसमें ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है हमारा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके का आ जाएगा। और इसके बाद पार्टिकल्स में जाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग को इसके जो पार्टिकल्स हैं कस्टम इमेज पे क्लिक करूंगा और ये पार्टिकल्स स्केल आ रहा है तो इसके पार्टिकल्स स्केल यहाँ पे आप लोग जो है कम ज़्यादा यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं पार्टिकल्स की स्केल। तो मैं इतना बड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ। पोजिशन मिलती है तो पोजिशन आप लोग यहाँ से पोजिशन को इधर उधर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग को ओवरवेल पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काउंट लिमिट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे इसकी जो काउंट लिमिट है वो आप लोग को थोड़ा सा इसमें कम कर देना होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेक्टर एंगल यहाँ पे क्लिक करना होगा और वेक्टर एंगल जो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ और ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं वेक्टर की एंगल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को जो है फिर से यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है ये जो आपने जो फोटेज लिया है बैकग्राउंड में इस पे क्लिक करना होगा और यहाँ जनरल पे क्लिक करना होगा। जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे साइड में आना होगा। नीचे साइड में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैसर वर्ड यहाँ पे क्लिक करना होगा और बीट को सिलेक्ट करना होगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे साउंड में जब बीट आएगी तो ये फोटेज है वो कंपन करेगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो काम हो चुका है अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, 3 लाइन पे क्लिक करना होगा, लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को जो साउंड लेना है वो साउंड यहाँ पे ले लीजिए जिस पे आप लोगों को जो है स्टेटस वीडियो बनाना है। यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा, विजुलाइजर पे आप लोग क्लिक करना होगा और आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा स्टेटस यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। ये कंपन हो रहा है फोटो में, तो ये इस तरीके से आप लोग बिल्कुल इजीली एक स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग चाहते हैं इसमें जो है आप लोग जो है बॉर्डर लाइन लगाना तो पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए और इमेज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो है फिर से इमेज पे क्लिक करना होगा, इमेज पे क्लिक करना होगा, कस्टम इमेज पे क्लिक करना होगा, पिक इमेज पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को बॉर्डर वाली जो PNG है आप लोगों को फोटेज है वो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग को इमेज पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आप लोग को नीचे साइड में आना होगा, कलर की पे आप लोग क्लिक करना होगा और कलर की को इनेबल करना होगा। इससे क्या होगा ये जो बॉर्डर है वो लाइन आ जाएगी सिर्फ और बाकी का जो यहाँ पे जो फालतू का जो वेस्ट है यहाँ पे बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन आ चुकी है और इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये देख सकते हैं इस तरीके से स्टेटस वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं तो पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, इसी को आप लोग को जनरल पे क्लिक करना होगा। जनरल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे साइड में आना होगा, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वहाँ क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोग को अपने चैनल का नाम या अपना नाम यहाँ पे डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इसमें जो आप लोग देख सकते हैं इसका जो आप लोग को कलर है वो आप लोग जैसा कलर आप लोग देना चाहते हैं वैसा आप लोग कलर यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉन्ट साइज या फॉन्ट साइज आप लोग इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और फॉन्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट टाइप फेस, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसमें जो फेस टाइप मतलब फॉन्ट के जो स्टाइल है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इतना काम हो चुका है और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है। पेंसिल वाले आइकन पे फिर से क्लिक करना होगा आप लोग को, लेकिन वो टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना होगा और इसकी जो पोजीशन है वो आप लोग को ऊपर कर लेनी होगी। इस तरीके से ये जो है पोजीशन आप लोग को यहाँ पे सेट करना होगा इसको यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे वेरिएंस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फॉन्ट साइज है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम करूँगा, फॉन्ट साइज जो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया तो मैं यहाँ पे इतना रख लेता हूँ मिस्टर सोनू टेक्निकल, ठीक है। इतना ठीक है हमारा, तो यहाँ पे हमारा स्टेटस रेडी है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल ईजिली अपना स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग की जो है यहाँ पे ये जो आप लोग का काम हो चुका है एडिटिंग का, इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला जो ऑप्शन आ रहा है आइकन यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चूज परसेंटेज यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोग को 1080 को सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे या 720 पिक्सल को सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला बटन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये वीडियो हमारी जो है एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी गैलरी में।
यहाँ पे आप लोग अपना एवी प्लेयर में आइए और यहाँ पे अपना दिमाग से आप लोग जैसा भी स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे आके बना सकते हो बिल्कुल इजीली, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये एप्लीकेशन अगर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है आप लोग को कुछ पैसे परचेस यहाँ पे आप लोग को कुछ पैसे देने के लिए मांगे। तो आप लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को क्रोम में जाना होगा और इसका मोड APK डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो से लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। तो गाइस अभी फिलहाल के लिए बस नहीं, मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।